धन गुरु नानक, वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की, भाई बाले वाली, साखी एक सिख की। चलते चलते श्री गुरु जी एक नगर में पहुँचे। वहाँ एक सिख का घर था। जब यह सिख बाहर आया तो उसने देखा एक संत बैठे हैं और रबाबी उसके आगे बैठकर रबाब बजा रहा है और शब्द पढ़ रहा है। उस सिख ने गुरुजी के चरणों पर नमस्कार करके कहा, हे गुरुदेव, आप धर्मशाला में पधारो। तब गुरुजी ने हमें आज्ञा दी कि आप चलो, इसकी आशा पूर्ण करो। यह कहकर गुरुजी उस सिख के घर में बाहर जा बैठे। वह सिख ने अति निर्धन था। एक बार उसे रोटी मिलती और एक बार नहीं मिलती थी। उसकी एक स्त्री तथा एक बच्चा था। उसने यथाशक्ति गुरुजी को प्रसाद करवाया। दूसरे दिन उससे सेवा सेवक का कहीं हाथ न पड़े और न ही कोई सामान था। उसने अपने घर में जाकर अपने सिर के बाल काट डाले और उनकी सेली बनाकर बाजार में ले गया। धन गुरु नानक। उसे बेचकर उसने अन्न खरीदा। प्यार पतक इतना स्मरण रहे कि वह सिख ने अभी पहुल नहीं लिया था। यदि पहुल ली होती तो वह सिर के बाल न उतारता। अपने अपनी पत्नी को कहा कि तुम भोजन तैयार करो। जब उसने चूल्हा में आग जलाकर भीतर बर्तन लेने गई, तब उसका लड़का खेलते खेलते चूल्हे में गिरकर जल गया। धन गुरु नानक। और वह मर गया। उस स्त्री ने उस लड़के को कपड़े में लपेटकर भीतर रख छोड़ा तथा अपने पति को खबर नहीं दी, क्योंकि पति को बतलाने से विद पड़ने का भय था कि कहीं वे अतिथि बगैर खाए ही न चले जाए। धन गुरु नानक। भोजन तैयार हो चुका, पर उसने पति को कहा, हे स्वामी, भोजन तैयार है। उसने गुरुजी को आकर कहा, हे महाराज, भोजन तैयार है, आप चलकर भोजन खा लो। गुरुजी घर में गए। जब भोजन परोसा गया तो गुरुजी ने उस स्त्री को कहा कि तुम अपने बालक को बुलाओ। तब उस स्त्री ने कहा, हे महाराज, वह कहीं सो रहा होगा, आप भोजन खा लो। फिर गुरुजी ने कहा, हे देवी, तेरा बालक का नाम क्या है? उसने कहा, उसका नाम लाल है। तब गुरुजी ने कहा, हे बेटा लालो, बाहर आओ। बस इस आवाज में एक शक्ति थी कि वह बालक खेलता खेलता तथा हंसता हुआ बाहर आ गया। धन गुरु नानक। बस इस महत्व को देखकर वह सिखियानी तो गुरुजी के चरणों पर गिर गई और कहने लगी, हे सर्वशक्तिमान गुरुदेव, आप धन्य हो। धन गुरु नानक। फिर दूसरे दिन वह तंगी सहमन थी। तब उस जोड़े ने अपने पुत्र को बेचने का इरादा किया। श्री गुरुजी ने कहा, आपका बालक कहाँ है? उसे हमारे पास रहने दीजिए। सिख ने हाथ जोड़कर कहा, हे अंतर्यामी, कौन सी बात है जो छुपी हुई है? आप सब कुछ जानते हैं। यह कहकर बालक गुरुजी के हाजिर कर दिया। गुरुजी ने बालक से पूछा, हे बेटा, तेरे माता पिता तुझे बेचना चाहते हैं, बताओ, दूसरे घर जाकर चक्की पीसोगे तथा पानी भर करोगे? लड़के ने उत्तर दिया, जो मेरी प्रलत में होगा वही होकर रहेगा। जब मैं खरीदा ही गया तब मेरा क्या उदर हो सकता है? जो कुछ हुक्म होगा वही करूँगा। गुरुजी ने लड़के का उत्तर सुनकर कहा, हे परमात्मा, धन्य है जीव जो हमेशा आपकी रजा को खिड़े नमस्तक सहते हैं और उफ नहीं करते। धन्य है इस लड़के जैसे जो सदैव प्रभु की इच्छा पर शीश झुकाते हैं। वह जा सोए दया है
वह उसके माता पिता भी धन्यवाद के पात्र है। उस लड़के को गुरुजी ने अपने कंठ से लगा लिया तथा उस समय एक शब्द उच्चरित किया, मारू महला पहला, मूल खरीदी लाला, गोला मेरे नाव सभागा, गुरु की बचनी हाट, बिकान जित लाइया तित लागा, तेरा लाल किए चतुराई, साहिब का हुकुम न करना जाई रहाओ, माँ लाली पियो लाला, मेरा हो लाले का जाइया, लाली नाचे लाला गावे, भक्ति करो तेरी राइया, पीहित पानी आनी मीर, कहित पीसन जाओ, पक्का फेरी पेर मलोवा, जपत रहा तेरे नाओ, लुन हरामी नानक लाला, बक्सी तुद वडियाई, आद जुगाद दया पति दाता, तुद विन मुकत न पाई, धन गुरु नानक। यह सुनकर वे सिख गुरुजी के चरणों में गिर गया। तब गुरुजी ने उपदेश दिया, हे भाई, धर्म की कमाई करो, आए गए सिख अथवा साधु संत की सेवा करो, दसवंत निकालो, सत्य बोलो, नाम स्मरण करो, इससे तुम्हारा लोक परलोक उज्जवल होगा। तब सभी सेवकों ने गुरुजी के चरण धोकर पहुल ली और नाम स्मरण में लग गए। सत्य बोलना तथा नेक कमाई करनी, यह उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना दिया। गुरु महाराज सबको सुमार्ग पर लगाकर आगे गए। धन गुरु नानक। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। संगत जी, जिस तरीके से इस कथा में गुरु नानक पातशाह ने हुक्म दिया कि नाम जपो, सेवा करो, तो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, अमृत वेले में नाम जपो, जिसका फल काफ़ी ज़्यादा है। अमृत वेले का टाइमिंग रात को 12 से सुबह 6 तक का है। ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करो, नाम जोड़ो, दसवंत निकालो और दूसरों को भी जोड़ो। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वय अकाल मूरत, अजूनी सभंग गुर प्रसाद जप, आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक हुसे भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वय अकाल मूरत, अजूनी सभंग गुर प्रसाद जप, आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक हुसे भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप, आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक हुसे भी सच। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह।